अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्षी पार्टियों के बीच एकजुट होने को लेकर चर्चा जारी है। इसी बीच कांग्रेस के नेता और लोकसभा के सांसद शशि थरूर ने विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है। लोकसभा के सांसद शशि थरूर ने हालिया विपक्षी एकता की लहर का स्वागत करते हुए ये कहा कि कांग्रेस हकीकत में वो आधार बनेगी जिसके इर्द गिर्द सभी पार्टियां जुटेंगी। लेकिन उन्होंने जोर देकर यह कहा कि अगर वो पार्टी नेतृत्व में होते तो वो इस बारे में बात नहीं करते और 2024 के आम चुनाव में भाजपा से मुकाबला करने के लिए गठबंधन के संयोजक की भूमिका निभाने के लिए छोटे दलों को किसी को आगे बढ़ाते प्रोत्साहित करते। थरूर कांग्रेस के राष्ट्रीय पद के चुनाव में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ उतरे थे, आपको याद होगा, और लेकिन जीत मल्लिकार्जुन खड़गे को मिली थी। फिलहाल उनका ये इंटरव्यू जिसकी चर्चा हो रही है, जिसमें उन्होंने विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बात कही है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को साक्षात्कार उन्होंने दिया और उन्होंने कहा कि 2019 के मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा से राहुल गांधी की अयोग्यता ने विपक्षी एकता की आश्चर्यजनक रूप से लहर पैदा की है। कई पार्टियों ने इस कहावत की सच्चाई को महसूस करना शुरू कर दिया है कि एकता में अटूट शक्ति होती है, अगर हम बट गए तो बिखर जाएंगे। ये बड़ा बयान शशि थरूर का है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि अगर अधिकांश विपक्षी दलों ने एक साथ आने और एक दूसरे के वोटों को विभाजित करने से रोकने के लिए नया कारण खोज लिया है तो भाजपा को 2024 के चुनाव में बहुमत हासिल करना बहुत कठिन हो सकता है। गांधी की अयोग्यता पर देश में ध्यान दिए जाने के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के थैंक यू जर्मनी ट्वीट के बारे में भी उनसे पूछा गया, जिस पर उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी को सलाह देता हूं कि वो ये नहीं करें। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय ध्यान और भारत के लिए नकारात्मक समाचार पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। इस सरकार की लोकतांत्रिक विश्वसनीयता के बारे में कुछ वर्षों से संदेह बढ़ रहा है, जैसा कि वैश्विक मीडिया ने स्पष्ट किया है। ये बात शशि थरूर ने कही। थरूर ने जोर देकर कहा कि फिर भी मैं अपने अत्यंत सम्मानित वरिष्ठ सहयोगी और मित्र को सलाह देता हूं कि वो ये ना करें जो उन्होंने किया है। ये संदर्भ उनका दिग्विजय सिंह के लिए था। कांग्रेस पार्टी के लिए ये हमेशा विश्वास का एक विषय रहा है कि औपनिवेशिक शासन के अधीन 200 वर्षों के बाद भी हमें किसी विदेशी संरक्षण की आवश्यकता नहीं है और ये स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये गौरव हर भारतीय के मन में गहराई तक समाया हुआ है। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा कि अपनी समस्याओं को हल करने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं। तिरुवनंतपुरम के सांसद शशि थरूर ने कहा कि मुझे विश्वास है कि भारत के लोग लोकतंत्र के लिए मतदान करेंगे और निर्धारित करने का अधिकार होगा कि कौन उन पर शासन करता है। दिग्विजय सिंह ने सांसदी जाने के बाद जर्मनी की तरफ से जो बयान आया था उस पर उन्होंने थैंक यू जर्मनी की बात कही थी, जिसे लेकर चारों तरफ शोर शराबा था। कपिल सिब्बल से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक सब ने, जब भाजपा ने घेरने की कोशिश की तो सब ने इसको सिरे से निकारा था और दिग्विजय सिंह का अपना व्यक्तिगत मामला बताया था, टालने की कोशिश की थी। इसी कड़ी में शशि थरूर भी अब ऐसी ही बात कह रहे हैं। शशि थरूर से जब पूछा गया कि क्या कांग्रेस वो आधार होगी जिसके इर्द गिर्द 2024 में भाजपा का मुकाबला करने के लिए विपक्षी गठबंधन बनाया जाएगा, विपक्षी एकता पर उन्होंने कहा कि निष्पक्ष रूप से हम राष्ट्रीय पद चिन्ह वाली एकमात्र पार्टी हैं। लगभग 200 सीटें हैं जहां चुनाव होगा और वहां सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच होगा। राहुल गांधी के संदर्भ में उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके की सहानुभूति देशभर में दिखाई पड़ रही है, इसका फायदा निश्चित तौर पर मिलते दिखाई पड़ेगा चुनाव में। इस सवाल के जवाब में थरूर ने यह भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं, इस निंदनीय अयोग्यता और जेल की सजा के बाद जनता की सहानुभूति राहुल के साथ है। उन्होंने कहा कि राहुल अब लोकतंत्र के लिए एक मजबूत चेहरा बनकर सामने आए हैं और बीजेपी डरी हुई है राहुल गांधी से। फिलहाल विपक्षी एकता को लेकर उनका जो जवाब था उसे लगातार अब एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से अगर देखिए तो लगातार विपक्ष एकजुट होने के कयास में है, एकजुट होने के प्रयास में है, और जिस तरीके का इस वक्त सिनेरियो दिखाई पड़ रहा है, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, अन्य जितने भी विपक्षी नेता हैं वो सब अपने अलग अलग राग अलाप रहे हैं। इस बीच शशि थरूर का ये बयान उन लोगों के लिए भी संदेश है कि जब हम एक छत के नीचे होंगे तो निश्चित तौर पर मजबूती से भाजपा को हरा पाए। देखना यह है कि कैसी तस्वीर विपक्षी एकता को लेकर बनेगी आगे चुनाव से पहले। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।